मेरा आप सभी को हाथ जोड़कर नमस्कार। आज एक बात करते हैं जिसके बारे में, जो सबसे बड़ा जो दान होता है वो क्या होता है। दान तो हम कई प्रकार के कर देते हैं, जैसे किसी को मदद है धन की तो हम उसको धन से मदद करते हैं यानी दान देते हैं। किसी को वस्त्र की आवश्यकता है तो हम उसको कपड़े दान कर देते हैं। किसी को जमीन की आवश्यकता है तो हम उसको जमीन दान कर देते हैं। कोई भगवान के नाम पे दान करता है, कोई गरीब की मदद करता है, उस तरह से दान करता है। ईश्वर के नाम पर ही ज्यादातर दान किए जाते हैं। लेकिन बहुत सारे जैसे दान है, धन का, जल का, वस्त्र का, भोजन का, जमीन का, सोने का, तो इस तरह से बहुत सारे दान है। लेकिन इनमें भी सबसे उत्तम जो दान है किसको बताया गया है, ये आप जान लें। जो वेदों के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूं कि उत्तम दान क्या है। अब मान लीजिए कोई व्यक्ति आपसे किसी मदद के लिए आता है आपसे, कि उसको भोजन की आवश्यकता है या उसे धन की आवश्यकता है, लेकिन आपको आप जो है उसको उस वक्त जो है, या तो उसको आप भोजन दे देते हैं, या आप उसको वस्त्र दे देते हैं, या आप उसको धन दे देते हैं, ये तो आपने उसे कार्य कर दिया। लेकिन वो कुछ समय बाद उसको इस्तेमाल करके दोबारा आपसे एक मदद की और एक दान की एक आशा करता है, और वह आपके पास दोबारा आता है। लेकिन वह दोबारा आता रहता है इसी उम्मीद से कि आप उसको कुछ ना कुछ देंगे, यानी दान के नाम पर आप उसको कुछ देंगे। तो इससे क्या है, क्या दिक्कत इधर होती है? उससे एक उत्तम कार्य है जिसको हम दान कहते हैं, विद्या का गान, जो सबसे उत्तम है। अब मान लीजिए आप उसको सबसे, हमारे जो हमें सबसे महत्वपूर्ण क्या है, बुद्धि सबसे महत्वपूर्ण है हमारे लिए जीवन में, ठीक है। अगर आप किसी की बुद्धि और विद्या बढ़ा देते हैं, अगर आप उस व्यक्ति को जो आपसे मदद मांगने आ रहा है बार बार, अगर आप उसको ये बात स्पष्ट रूप से समझा देते हैं कि आपको यह करने से, यह कार्य करने से आपको धन भी मिलेगा और आपको जिस चीज की भी आवश्यकता है वो चीज आपको मिलेगी, ठीक है। अब आपने उसको वह मार्ग दिखा दिया, आपने उसको वह मार्ग दिखा दिया, अब उसको आपको उसको कुछ ज्यादा जो वेद के हिसाब से उसे जो भी आपने विद्या दी, अब वो उसी मार्ग पर चलेगा और वह हर चीज की प्राप्ति कर सकता है जिसकी उसे आवश्यकता है। लेकिन अगर आप उसको विद्या नहीं देते, अगर आप उसकी बुद्धि या विद्या नहीं बढ़ाते, ज्ञान नहीं बढ़ाते, तो वह व्यक्ति आपसे बार बार आपसे ही या किसी और से मदद मांगता और एक ईश्वर के नाम पर या किसी भी नाम पर वह एक दान की उम्मीद करता। लेकिन आपने एक अच्छा कार्य कर रहा है कि उसको एक रास्ता मार्ग दिखाया। अगर आप किसी व्यक्ति को एक मार्ग दिखा देते हैं ईश्वर की प्राप्ति का, और जिससे वह उस मार्ग पर जाकर सब कुछ अपनी संतुष्टि है जो भी जिस हिसाब से, और ईश्वर की प्राप्ति के लिए वह चलता है व्यक्ति, तो आपने सबसे उत्तम कार्य कर रहा है। उत्तम कार्य इसलिए कर रहा है क्योंकि आपने उसकी बुद्धि में वह बीज बोया ईश्वर के बारे में, और हमारे वेद पुराण उनके हिसाब के, वेदों के हिसाब से उसमें एक बीज बोया कि किस प्रकार आप ईश्वर को और अपना जीवन कैसे अच्छा बना सकते हैं, उसके लिए आपने कार्य करा और उसकी भी विद्या बढ़ी। तो और आपको भी जिस प्रकार से जो मिथ्या ज्ञान आसपास फैल रहा है हमारे समाज के अंदर, और जो ईश्वर के नाम पे जिस प्रकार धन एकत्रित किया जा रहा है गलत तरीकों से, तो उससे भी वह व्यक्ति बचेगा। और मतलब जो दान के नाम पे आप दान तो दे देते हैं, लेकिन उसका क्या इस्तेमाल हो रहा है आप भी नहीं जानते हैं उसके बारे में, ना आप वहां पर जाके देखते हैं उस चीज को कि आप उस धन का क्या इस्तेमाल हो रहा है। तो इससे दो चीजें होंगी, एक तो आपको एक अच्छा कर्म करोगे कि किसी व्यक्ति का आपने बुद्धि खोली, ईश्वर के बारे में आपने उसको बताया और हर चीज उसको वह मिल जाएगी, और दूसरा कार्य ये होगा कि आप बुरे कार्य से बचेंगे, कि आपने किसी को बेवजह धन ना दिया जिसने उसका गलत इस्तेमाल किया। आपने किसी को कुछ चीज दी, मान लीजिए आपने किसी को धन दिया कि ईश्वर के नाम पे, कि वह किसी बच्चे को किसी गुरुकुल चलाने के लिए वह पैसा मांग रहा है, लेकिन वह उस पैसे का सही इस्तेमाल नहीं करता, अपने ही कार्य में किसी बुरे कार्य में उस चीज को इस्तेमाल करता है धन को, तो वह उसका पाप भी आपको लगता है क्योंकि आपने उसकी मदद करी और उसने उस चीज से बुरा कार्य करा। अगर वह उस चीज से बुरा कार्य करता है तो, और उसने भी उसका भी आप मदद करते हैं, जिस प्रकार से पुलिस होती है, वह किसी ऐसे किसी को नहीं पकड़ लेती जिस जिसका हाथ उसके पीछे होता है, जिस जिसने भी उसकी मदद करी होती है उस व्यक्ति की, चाहे वह चोर है चाहे वह कुछ भी है, तो उसको भी पुलिस अवश्य पकड़ती है। तो इसी प्रकार से यहाँ पर ईश्वर के दान के नाम पर आप कुछ गलत हो रहा है, बिना जाने सोचे समझे आप उस चीज को दे रहे हैं, तो उस जो पाप के भागी हैं आप भी हैं।
तो कुछ भी कार्य करते हैं सोच समझ के दान करें कि उसका सही इस्तेमाल हो भी रहा है नहीं हो रहा है, ठीक है। और दूसरा, विद्या सबसे उत्तम ही है क्योंकि आप किसी व्यक्ति को एक अच्छे मार्ग पर रास्ता दिखा रहे हैं, फिर आपको उसको कुछ देने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपने उसको विद्या दे दी तो वो खुद ही अपने आप सब कुछ पा लेगा, ईश्वर को भी वह प्राप्त कर लेगा। ये सब हमारे वेद और ब्रह्मचर्य जो विद्या वगैरह है उसके अंदर सब स्पष्ट रूप से लिखा गया है। तो वेद विद्या बढ़ाएं और दूसरों को भी वेद पढ़ाएं जिससे वह सब कुछ जागरूक हो सके और अच्छे मार्ग पर चल सके। अगर और कुछ भी आपको प्रश्न वगैरह है या आप कुछ पूछना चाहते हैं तो मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट वगैरह में, या भी कोई राय है वो भी आप मुझसे शेयर कर सकते हैं। तो अभी तक के लिए मेरा आप सभी को हाथ जोड़कर नमस्कार।